नमस्कार, राजधर्म में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्ते, मैं राशिद। योग का कोई धर्म तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक राजधर्म जरूर है। जब योग का कोई धर्म नहीं है तो क्यों फिर एएमयू में योग दिवस को लेकर विरोध शुरू हो गया है? इस पर आज राजधर्म में हम सवाल करने वाले हैं। अब आप ये समझिए कि पूरी खबर क्या है और डिबेट हम आखिरकार क्यों कर रहे हैं। एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। लगभग 100 साल पूरा होने को 2020 में आ जाएगा। तस्वीरों के जरिए आप एक एक करके आप समझिए। पहली तस्वीर जो आपको ये बता रही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले लगभग हफ्ता भर पहले कई ऐसे छात्र नेता हैं। एमयू छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमजा सूफियान, उनका नाम है। कई छात्र हैं, इकबाल अहमद खान जैसे, शफीकुर रहमान जैसे एग्रीकल्चर फैकल्टी के कोर मेंबर हैं। इन सभी लोगों का ये कहना है कि एक दिन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना ठीक नहीं है। योग को विज्ञान के सब्जेक्ट में शामिल कर दिया जाए वो ठीक है, लेकिन योग को किसी एक मानसिकता से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल यह है एएमयू में आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विलन कौन है? ये पहला सवाल है। और दूसरा ये सवाल है कि एएमयू में देश विरोधी वायरस आखिरकार फैला कौन रहा है, और देश विरोधी वायरस से हमारा इशारा किस तरफ है? बाकी की तस्वीरें आप एक एक करके देखिए। आपको याद होगा कि किस तरीके से एएमयू की लाइब्रेरी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाई गई थी, और जिन्ना की तस्वीर पर विवाद भी हुआ था। और फरवरी 2018 में दरअसल असगर वजाहत का एक नाटक, उसका मंचन होना था एएमयू में, और इस नाटक के मंचन में ही जो भारत का नक्शा लगाया गया उसमें से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, ये एक अलग विवाद था। एक और विवाद था जिसकी तारीख हम आपको बता रहे हैं, गुजरे हुए दिसंबर में, जहां पर कई शाकाहारी छात्र थे। उनकी शिकायत ये थी कि जिस तेल में चिकन तला गया उसी तेल में पूरी सब्जी तल के उन्हें परोस दी गई। ये भी एमयू का एक बखेड़ा था। चंद छात्रों ने, ये 2019 की शुरुआत की ही बात है, चंद छात्रों ने तिरंगा यात्रा एमयू कैंपस के अंदर निकाली तो एमयू प्रशासन को नागवार गुजरा। उन्होंने एक्शन ले लिया तिरंगा यात्रा निकालने वाले छात्रों के खिलाफ। अब सवाल बहुत बड़ा है, एएमयू में आखिरकार धर्म के नाम पर, एएमयू में एक मानसिकता के नाम पर, और एएमयू में एक विचारधारा के नाम पर बार बार विवाद क्यों पैदा हुआ करते हैं? कौन है जो इस तरह का भ्रम फैला रहा है, और कौन है जो एएमयू में इस तरह की अशांति चाहता है, इस पर भी होगा सवाल। तो चलिए हम राजधर्म की शुरुआत करते हैं। और आज राजधर्म में डिबेट का इशू यह है कि बार बार एएमयू में विवाद क्यों पैदा हो जाता है। नया विवाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के है। हालांकि एएमयू के रजिस्ट्रार ने यह कह दिया है कि एएमयू भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और रजिस्ट्रार की तरफ से यह भी कहा गया है कि 15 जून से ही अलग अलग फंक्शन एएमयू में आयोजित किए जाएंगे। लेकिन कई छात्र नेता हैं जिनमें से एएमयू छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और अलग अलग पदाधिकारी हैं, जिनका कहना यह है कि एक दिन के लिए करोड़ों रुपये फूंक देना वो ठीक नहीं है। इसके अलावा ये भी उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो मनाया जाए, लेकिन योग को विज्ञान के सब्जेक्ट में शामिल कर लिया जाए, किसी एक मानसिकता या किसी एक धर्म से जुड़ा जाना गलत है। और हाँ, हमेशा की तरह सूर्य नमस्कार पर एएमयू के अंदर ही कई लोगों की त्योरियां चढ़ गई हैं। लेकिन योग दिवस को लेकर इतना घमासान क्यों? योग का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी इस तरह का भ्रम आखिर क्यों फैलाया जा रहा है? अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हाँ, सूर्य नमस्कार को लेकर खास तौर पर आपत्ति जाहिर की गई है। इस पैसे को और भी बेहतर कामों में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और ही बदल सकती थी। लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी है, तो इससे बेहतर कि पैसे को पुलिस की भर्ती में इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी टप्पल पे इतना बड़ा हादसा हो गया, पुलिस फोर्स वहाँ पे कम पड़ रही थी हालात सुधारने के लिए। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम धर्म इजाज़त नहीं देते, जैसे सूर्य नमस्कार। तो हम इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, ना कि हम योगा का विरोध कर रहे हैं। इन चीज़ों को हटा के जो है हम उस चीज़ को दूसरे तरीके से हमें करवाया जाए, हमें स्वागत करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, हम उसे पढ़ने के लिए तैयार हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, मगर एक मखसूस आइडियोलॉजी विचारधारा के तहत किसी पे थोपना ये गलत बात है। जी, योगा होने वाला है, ये होना चाहिए। अगर किसी पाठ्यक्रम के तहत हो रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन योगा में जो चीज़ें किसी धर्म से कंट्रडिक्ट कर रही हैं उसको नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बताया आपसे कि जो चीज़ें सूर्य नमस्कार रही है, मुस्लिम धर्म इसको परमिशन नहीं देता है करने के लिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए था। यही डिमांड हमारी भी थी कि हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी ये अपील कर रहे हैं कि इसको जो है हटा देना चाहिए। नहीं, उसमें है ही नहीं प्रोटोकॉल में सूर्य नमस्कार।
लूजनिंग एक्टिविटी से होती है शुरुआत, लूजनिंग एक्टिविटी एक प्रार्थना से होती है और एक लूजनिंग एक्टिविटी से होती है। तो एमयू में कभी तिरंगा यात्रा को लेकर के बवाल, कभी भारत के नक्शे के साथ जो छेड़खानी की गई उस पर बवाल, कभी जिस तेल में खाना तला जाए उस पर बवाल, कभी जिन्ना के पोस्टर जिन्ना की तस्वीर को लेकर के बवाल, और अब नया बवाल है योग को लेकर के। हालांकि एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि एमयू के रजिस्ट्रार ने यह कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एमयू में मनाया जाएगा, लेकिन कई छात्र नेता ऐसे हैं, छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल हैं, जिनका यह कहना है कि योग को किसी एक मानसिकता किसी एक विचारधारा के साथ में जोड़ना गलत है। और हाँ, कई लोगों ने योग की कई चीज़ें ये भी बता दी हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कैसे ख़िलाफ़ है, क्या वाकई में है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि एमयू में इस तरह की देश विरोधी बातें क्यों हुआ करती हैं। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूँ। बीजेपी से गुल्ले शेख, बीएसपी से दीपक पांडे, वरिष्ठ पत्रकार ए के मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु आचार्य एच एस रावत, मुस्लिम स्कॉलर अब्दुल हमीद नोमानी जी अब से थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे, योग गुरु सुमित शर्मा, संघ के अशोक सिन्हा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गौतम राणे सागर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। गुल्ले शेख जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक मुस्लिम भी हैं, ज़रा रोशनी डालिए। कई ऐसे एमयू के पदाधिकारी हैं, छात्रों में पदाधिकारी, जैसे एग्रीकल्चर फैकल्टी के कोर मेंबर हैं शफीकुर रहमान, एलएलबी के छात्र हैं इकबाल अहमद खान, इन सभी का ये कहना है कि योग के अंदर कई ऐसी चीज़ है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं मनाना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि एक दिन के लिए करोड़ों रुपए सरकार फूंक देती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आप बीजेपी के नेता भी हैं, एक मुस्लिम भी हैं, उन्हें गलत साबित कीजिए तर्कों के साथ। नहीं, मैं दोनों चीजों को सामने रखकर ही बात करूंगा, एक मुसलमान होने के नाते भी और एक भाजपा नेता होने के नाते भी। थोड़ा इको ठीक कर दें प्लीज। देखिए, इस प्रकार की जो लोग बातें करते हैं ना, या तो वे मूर्ख हैं या खुराफात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से भारत का मान सम्मान समूचे विश्व में बढ़ा है और इस पर हर किसी को गौरवान्वित होना चाहिए और ये गौरव का विषय है। दूसरी बात, जिस प्रकार की ये लोग बातें कर रहे हैं ना, कभी कोई बोलता है सूर्य नमस्कार पर, कभी बोलता है आइडियोलॉजी पर, तो ये बात तो सर्वविख्यात है कि योग अपने आप में एक साइंस है और दुनिया ने उसको उसी रूप में स्वीकार किया है। और जहां तक सूर्य नमस्कार का विषय है, वो कोई कंपल्शन पार्ट भी नहीं है। और मैं इस प्रकार के लोगों को एक मुसलमान होने के नाते बोलता हूँ कि आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है तो आप काबे की तरफ रुक कर ले और वो आसन कर ले। समस्या क्या है? इस प्रकार की जो नैरो माइंडेडनेस होती है ना, हर चीज में मजहब को बीच में लाना, यह मुसलमानों के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। और इस प्रकार की चीजों को कौम से और कौम के नजरिए से बाहर निकालना आवश्यक है यदि हमको दुनिया के साथ चलना है और सुखी रहना है और अमन चैन से लड़ना है। तो मुझे लगता है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, इसमें मुस्लिम समाज को भी हम बीच में नहीं लाए, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। क्योंकि बिना पॉलिटिकल पेट्रोनेज के, देखिए भाई, हम भी छात्र रहे हैं, आप भी छात्र रहे होंगे, तो छात्र जीवन में आदमी अपने पढ़ाई में अपने दूसरे कार्यों में जो होता है व्यस्त रहता है, इस प्रकार की बात तो कभी मानसिकता में आती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं से इनको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है और यदि इस पर तहकीकात होगी ना, तो इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल हाथ मिलेगा। और मैं योगी जी से भी निवेदन करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर जांच हो कि इनके पीछे कौन है। हो सकता है एक बड़ा ग्रोह मिले, या तो पॉलिटिकल हो सकता है या कोई और अलग टाइप की गतिविधियों वाला हो सकता है, परंतु मुस्लिम समाज को इस प्रकार की और जिन्हें पॉलिटिकल वरदहस्त भी मिला हुआ है, ये पॉलिटिकल शय किसने दी है? पॉलिटिकल शय तो वही लोग देंगे जिनको सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पसंद नहीं है। पॉलिटिकल शय वही लोग देंगे। कौन है? समाजवादी पार्टी वाले हैं, बीएसपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वाले हैं, कौन है? दोनों, तीनों देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तो अभी जुमा चार दिन की हुई है, उसके विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए बीएसपी वालों से पूछ लेते हैं। बिल्कुल हो सकता है बीएसपी वालों से पूछ लेते हैं। दीपक पांडे,
आप योग के पक्ष में हैं या विरोध में हैं? बिल्कुल पक्ष में है, योग एक अच्छी चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पक्ष में है या विरोध में है? नहीं, विरोध में क्यों रहेंगे, ये हमारी एक जो परंपरा है, हम लोग करते आए हैं सदियों से, अब उसको आजकल बढ़ाया जा रहा है तो उसको बढ़ाने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी को नहीं पसंद है तो उसको दूसरे रूप में ये प्रयोग में ला सकते हैं, तो इसमें विरोध ना विरोध करना, इसमें एक्चुअली पसंद ना पसंद का चश्मा और नजरिया धार्मिक होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि योग को धर्म से कौन जोड़ रहा है दीपक पांडे? देखिए क्या है कि इसमें कुछ लोग शरारती तत्व का कहा जाएगा कि जो लोग क्या है कि हर जगह अपनी जो एक कहावत होती है, एमयू में शरारती तत्व काम कर रहे हैं क्या? नहीं, क्या होता है कि लोग आजकल एमयू में शरारती तत्व काम कर रहे हैं, उनके एक छोटे से उनके वक्तव्य से आज हमें डिबेट करनी पड़ रही है, उनकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी, एमयू में शरारती तत्व काम कर रहे हैं, बढ़ावे देने के शरारती तत्व काम कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ लड़के हैं शरारती तत्व, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है एमयू, उसके बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां से लाखों करोड़ों लोग ऐसे पढ़ के निकले हैं जो देश का नाम गौरव किए हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ लड़के हैं या क्या जो भी उनको लाइमलाइट में आना है या उनको कुछ करना है। ठीक है दीपक पांडे जी, ठीक है, एक योग को बार बार पॉलिटिसाइज क्यों किया जाता है और कौन करता है? देखिए ऐसी मानसिकता बनी हुई है, देखिए यहाँ पे राजनीति कैसे चल रही है, मतलब ऑटोमेटिक क्रिया प्रतिक्रिया। अब चूंकि योग को बीजेपी ने या कुछ ऐसे संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवा दिया, तो ये एक स्वतः मनोवृत्ति बन गई है कुछ लोगों की, चाहे वो बीजेपी के विरोधी पार्टी रहे हों या ऐसे लोग रहे हों जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े ना हो लेकिन आइडियोलॉजी का उनके दिमाग के ऊपर इन्फ्लुएंस है। बात हो रही थी कि एएमयू में कुछ लड़के ऐसा क्यों कर रहे हैं जो योग का विरोध कर रहे हैं, चलिए मैं ये भी मानता हूं कि ये किसी पार्टी से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड किसी न किसी पार्टी की आइडियोलॉजी है, तो वो एकदम ऑटोनॉमस नी एंड जर्क वाला चीज होता है कि योग दिवस आया तो वो जी मना कर रहे हैं। मैं बोलूंगा ये आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है साहब, आप शम्स सलाम कर लीजिए, शम्स एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सूर्य, सन, आप सलाम का मतलब नमस्कार हो गया। चलिए देखिए देखने का तरीका होता है, आप योग नहीं करेंगे सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे तो आपको अगर वही चीज हम शम्स सलाम करके अभी कोई मुल्ला या मौलवी बोल दे कि भाई शम्स सलाम आप करिए उससे आपको ये फायदे होंगे, डायबिटीज वगैरह ये सारी चीजें, आप स्लिम एंड ट्रिम रहेंगे सारी चीजें, अभी देखिए सब लोग योग करना शुरू कर देंगे। सवाल केवल परसेप्शन का है और रिजिड आइडियोलॉजी का है, सब कुछ चेंज कर लिया ऐसी मानसिकता के लोग। अब आप रुक जाइए, क्योंकि हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं अब्दुल हमीद नुमानी जी, और अब्दुल हमीद नुमानी जी का तारुफ मैं करा दूं कि इस्लामिक स्कॉलर तो है ही, इस्लामिक स्टडीज पर इनकी जितनी अच्छी पकड़ है उतनी ही अच्छी पकड़ संघ की आइडियोलॉजीज या हिंदुत्व पर भी इनकी इतनी ही अच्छी पकड़ है, हिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार हैं और देश के जाने माने स्कॉलर्स में से एक हैं। अब्दुल हमीद नुमानी जी बहुत दिन के बाद आप आए हैं मेरी डिबेट में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या योग धर्म से जुड़ी चीज है, क्या योग इस्लाम के खिलाफ है? देखिए अगर आप जो है योग को देखें शुरू से, सबसे इस पे अच्छी बुक जो है पतंजलि की है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो आप अगर वहां से चले तो उन्होंने शुरू में यह लिख दिया है कि इसका संबंध अनिवार्यता से नहीं है, अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, मैं जहां तक जानता हूं इसका संबंध जो है वह स्वास्थ्य लाभ से है। ठीक है, इसका जो है पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है और न राजनीति से लेना देना नहीं है। अगर आप जो है योग और यहाँ का इतिहास देखें तो बहुत से ऐसे लोग भी योग करते थे, इन्हें खुदा को मानते थे और न जो है वो परलोक को मानते थे, तो ये जो है इसका कोई संबंध जो है धर्म और राजनीति से नहीं है और इसको प्रशासन की ओर से कभी भी जो है अनिवार्य नहीं किया गया था, ये आदमी के जो है व्यक्तिगत जो है वो स्वेच्छा पर इसको छोड़ दिया गया है। मुझे एक बात ये समझा दीजिए, योग में क्या कुछ ऐसा है कि इस्लाम के खिलाफ कहा जाए, क्या योग में ऐसा कुछ है कि एमयू के चंद छात्र नेताओं की त्योरियां चढ़ जाएं, क्या सूर्य नमस्कार से आपको भी एतराज है, क्या सूर्य नमस्कार ये सारी चीजें जो है जो आप जो श्लोक पढ़ते हैं या सूर्य नमस्कार है ये बाद में जोड़ा गया है। अच्छा, और जो है बाबा रामदेव भी कहते हैं कि ये उसका अनिवार्य हिस्सा नहीं है, सरकार अच्छा, ने अच्छा, खुद अच्छा, इसको अच्छा, अनिवार्य हिस्सा नहीं माना, योग जरूरी नहीं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो तमाम आसन वगैरह हैं जो एक्सरसाइज वर्जिश की श्रेणी में आएंगे वो योग का हिस्सा है और सूर्य नमस्कार जैसी चीज योग का हिस्सा ही नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? अब आप रुक जाइए, योग गुरु सुमित शर्मा भी मेरे साथ में, योग गुरु सुमित शर्मा मुझे ये समझाइए, क्या योग किसी भी तरह से हिंदुत्व से जुड़ा है? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि सूर्य नमस्कार
योगा का एक अभिन्न हिस्सा है या फिर नहीं है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो योग है वो बहुत प्राचीन विद्या है हमारे देश की, ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है। दूसरा, जो सूर्य नमस्कार है, आप भारत सरकार का जो आयुष मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल है जो अभी योगा डे पर पूरे विश्व में फॉलो किया जाएगा, उसमें कहीं सूर्य नमस्कार का जिक्र नहीं है। केवल कुछ आसन दे रखे हैं उसमें। और किसी बुक से या किसी अरब मुल्कों ने स्वीकार किया ना, वहां अगर ये सूर्य नमस्कार होता, आपको मालूम है कि अरब जो है कितने कट्टरवादी हैं ईश्वरवाद की अवधारणा को लेके, तो वो अगर ये होता तो वो मानते ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि सूर्य नमस्कार से ऐतराज क्यों? सूर्य देवता तो हम सबके है ना, धरती हम जो है उनको अपना सेवक मानते हैं, हमारे वो पूज्य नहीं है। अच्छा, अवधारणा जो है अलग अलग है। जैसे आर्य समाज के लोग जो है वे एक ईश्वरवाद की अवधारणा को मानते हैं, राजा राम मोहन राय भी, गांधी जी भी, रविंद्रनाथ टैगोर भी, तो ये सब जो है वो कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ जो है एक ईश्वरवाद, अनेक ईश्वरवाद, और जो है कोई किसी को नहीं मानता है, सबको इस समाज का हिस्सा माना गया। हिंदू होने के लिए किसी को मानना नहीं मानना कोई अनिवार्य नहीं है। डॉक्टर एचएस रावत कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर एचएस रावत वैसे भी आजकल बड़े क्रांतिकारी हो गए हैं, और डॉक्टर एचएस रावत का अगर बस चले तो शायद योग को शायद पूरी तरह से मैंडेटरी भी बनवा दें। डॉक्टर एचएस रावत, आज कुछ क्रांतिकारी लेकर के आए या नहीं आए आप? आजकल बहुत क्रांति, आजकल आप जो है हिंदुत्व के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। अभी नुमान, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी इस डिबेट को देख लें तो वो समझ जाएंगे कि हिंदुत्व को एक नया ध्वजवाहक मिल गया है। नहीं तो सरकार ने खुद सूर्य नमस्कार को नहीं रखा है ना। देखिए देखिए देखिए, एचएस रावत बोलेंगे। नवानी साहब सुन लो, मेरे को मौका दिया जाए। हाँ, सुमित शर्मा रुक जाइए, आपको मौका मिलेगा। लॉजिकल बात करिए, सुन लीजिए आप। हाँ, अभी अभी नुमानी साहब ने कहा था कि हमारा इस्लाम सूर्य को नहीं मानता। अभी अभी आपने ईद मनाई है और चंद्रमा को देख करके मनाई है। आप सूर्य को नहीं मानते, चंद्रमा को मानते हैं, आप जुम्मे को मानते हैं, आप संडे को नहीं मानते हैं। ये कौन सा नियम है? बिल्कुल अलग है। कौन सा नियम है आपका? मानते लेकिन भगवान नहीं मानते, उसको अपना सेवक खादिम मानते हैं। दोनों मानते हैं। भगवान कौन कह रहा है? उसके वैज्ञानिक आधार को समझने की जरूरत है आपको। अगर सूर्य नमस्कार में हाथ जोड़ा जाता है तो एनर्जी लेवल को अंदर इनहील किया जाता है। अगर सूर्य नमस्कार ऐसे किया जाता है तो बॉडी के अंदर हमारी जो प्राण शक्ति है उसको समझने की आवश्यकता है। सूर्य नमस्कार करने के साथ साथ जो इसके आसन है उनको भी समझने की आवश्यकता है। नुमानी साहब, आप विद्वान आदमी है, आप रिजिड मत होइए इस बात के ऊपर कि हमारा इस्लाम नहीं मानता। चंद्रमा को आप मानते हैं, अब जवाब ले लीजिए। अब्दुल हमीद नुमानी जी से आपको एतराज है, उनकी बात से एतराज है, जवाब भी ले लीजिए। अब्दुल हमीद नुमानी जी, सीधा सा सवाल है डॉक्टर एच एस रावत का कि जब एक मुसलमान चांद के हिसाब से रमजान को देखता है, चांद देख करके फिर ईद मनाता है, ईद की तारीख मुकर्रर करता है, चांद देख करके महीनों का डिसीजन किया जाता है, तो फिर सूरज से या सूर्य नमस्कार से एतराज क्यों? देखिए, ये जो भी है, धूप है, ठंडी है, मौसम है, हर वो आदमी पे उसका प्रभाव पड़ता है, उससे तो वो जो है कुछ ना कुछ लेता है वो। हाँ। लेकिन ये कि भगवान मान के लेना, मैं राशिद से जो है वो 5,000 रुपया जो अपना साथी मान के मानू तो थोड़ी मैं इनको भगवान मान रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो भगवान मानना और जो है आदमी मानना, सूर्य मानना, चांद मानना, अच्छा मुझे अब्दुल हमीद नुमानी जी, अच्छा सूर्य नमस्कार के बिना बाकी जो वर्जिश है जैसे वज्रासन है, शवासन है और पता नहीं कितने आसन है योगा में, इन सब से आपको कोई एलर्जी नहीं है? अगर आपको एलर्जी नहीं है, अच्छा बिल्कुल एलर्जी, ये आसन 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 वो कपालभाति ये सब ओके? हमारे यहाँ सूफिया जो है जिसको आप प्राणायाम कहते हैं, हाँ, वो जो है सूफिया के यहाँ उसी को हफ्से दम कहा जाता है। अच्छा ठीक है, आप जो है सांस रोक के जो है ये जो है वो भगवान का है, जो ईश्वर का है, और जो हम नमस्कार को सम से सलाम बोल दे, अरेबिक ट्रांसलेट कर दे तो ये मान लेंगे आप लोग। ये बताइए, अब्दुल हमीद नुमानी जी का कहना यह है, एक मिनट सर, ओके ठीक है, हाँ हो गया, एक मिनट हो गया, ओके ठीक है, हो गया। हम आपकी तरह
थोड़ी तेजी से आपको मानने लगेंगे। ओके ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। देखिए नहीं नहीं अब्दुल हमें तो मानी यहाँ जब जबरदस्ती नहीं है आजादी हर चीज में, इसमें क्यों आप जबरदस्ती? ठीक है अब्दुल हमें तो मानी जी, एक एक मिनट नहीं एक एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है बाकी लोग एक मिनट डॉक्टर गुलरेज आपको अगर रिबट करना है बहुत जल्दी रिबट कीजिए, क्योंकि अशोक सिन्हा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद अशोक सिन्हा जी आज मुझसे मुखातिब हुए हैं। अशोक जी आ रहा हूं आपके पास, पूरा समय आपको दूंगा मैं। गुलरेज जी बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए राशिद, मैंने आरंभ में ही कहा था कि हर चीज में यदि हम मजहब को लेकर आएंगे तो ऐसे जीवन नहीं चल सकता, ना चलना चाहिए इस प्रकार से। तो जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि इसमें कुछ मजहबी एंगल दे दें, योग को मजहबी एंगल दे दें, ये सब मूर्खता की बातें हैं और इससे पिछड़ापन बढ़ना है। और अधिकांश मुस्लिम जो है इन सब बातों को सोचता भी नहीं आज के समय में, केवल पॉलिटिकल जो मुस्लिम है वो ये सब बातें कर रहा है, नॉर्मल मुस्लिम कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से, वो उसको सूर्य नमस्कार भी कर रहा है, उसको किसी चीज से समस्या नहीं है। अब रुक जाइए अशोक सिन्हा जी, क्या है ना एक और बात कही जाती है बहुत दबी जबान में, योग तो सालों से है, दशकों से है, या यूं कहें कि योग तो सदियों से है, हजारों साल से है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि योग पतंजलि तो, से भी पहले हाँ, पतंजलि से भी पहले से योग तो सदियों से है। लेकिन क्या हुआ है ना अशोक जी कि संघ और बीजेपी ने उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी कर दी है, और पैकेजिंग इतनी अच्छी कर दी है कि एक इवेंट के तौर पर बार बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसे लाया जाता है, और उसके नाम पर न जाने कितनी बार टीवी की सुर्खियां बटोर ली जाती हैं और टीवी का यह टाइम भी आप लोग ले लिया करते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में पॉलिटिकली योग को जिस तरह से इनकैश करना था यह संघ के जरिए बीजेपी ने कर लिया है? मैं समझता हूं राशिद जी कि योग जो है यह किसी के रिलीजन से, पंथ से, संप्रदाय से यह संबंधित नहीं है। नंबर एक, इसकी पैकेजिंग नहीं की गई है। यह हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की एक बहुत प्राचीन जीवन पद्धति है, और जिसको कि युवाओं के समक्ष एक प्रस्ताव के रूप में रखा गया, और रखने के बाद सम्यक विचारोपरांत 172 देशों से अधिक देशों ने इसके पक्ष में वोटिंग दी और कहा कि ये तो एक फिजिकल मूवमेंट है और इसको करने से हेल्थ प्राप्त होता है, इसका कोई मजहब से संबंध नहीं है, इसलिए ये कोई पैकेजिंग नहीं है, एक सर्वसामान्य रूप से सबने स्वीकार किया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, उसने सहर्ष इसको स्वीकार किया, कहीं कोई आपत्ति नहीं। दो आपत्तियां आती हैं, नोमानी साहब की भी बात मैं सुन रहा था, सबकी सुन रहा था, दो आपत्तियां आती हैं। नंबर एक, यह आपत्ति आती है कि साहब इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो मैं इसके उत्तर में यह कहना चाहूंगा कि सूरह इब्राहिम अगर आप कुरान का पढ़ें, यानी सूरह संख्या 14 आयत संख्या 4 पढ़ें, तो उसमें अल्लाह कहते हैं कि हमने हर समाज में, हर समुदाय में व्यक्तियों को अपने संदेशवाहक को भेजा है, और वह उस समाज की भाषा और उस समाज के जो फ्रेज हैं, जो इडियम्स हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए हमारा संदेश ही कहेंगे। तो भाषा पर कोई आपत्ति अगर लगाता है तो मैं समझता हूं कि शायद वह कुरान की मूल भावना से दूर हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, सूर्य नमस्कार की बात स्पष्ट हो गई कि इसमें जो कुछ भी, इसको मानना अनिवार्य नहीं है, ओम शब्द का उच्चारण करना अनिवार्य नहीं है, आप संस्कृत भी मत बोलें, आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, यह एक हेल्थ से संबंधित एक, और योग का अर्थ होता है एक ऊपर वाले से जुड़ना, योग यानी जोड़, जोड़ यानी जुड़ना, जुड़ने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को साधना, यह योग में यम नियम, मुझे, आसन प्राणायाम, मुझे बड़ा सम्मानित महसूस होता है अशोक सिन्हा जी, यह अष्टांग योग की बात कही गई है। जी जी, मुझे बड़ा सम्मानित महसूस होता है जब मेरे पैनल में आप जैसे लोग, अब्दुल हमीद नुमानी जैसे लोग बैठते हैं और चीज़ें फैक्ट और फिगर के साथ में कहते हैं। जो बात आपने कही है अब्दुल हमीद नुमानी जी, क्या सूरह इब्राहिम में वाकई ऐसा कुछ लिखा गया है क्या कि समाज का रिप्रेजेंटेशन अगर अपनी अपनी भाषा के लिहाज से किया जाए तो वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है? देखिए कुरान तो ये कहता है कि तमाम भाषाएं जो खुदा की तरफ से है। अच्छा। ये नहीं कि अब जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भाषा अरबी थोड़ी थी, अच्छा, वो इब्रानी थी, वो इसी तरह संस्कृत ये थोड़ी है कि जो है वो खुदा की भाषा नहीं है, ठीक है, तो देववाणी है ही वो।
तो ये भाषा कोई मुद्दा नहीं है, उसमें जो भाव है अगर वो सही भाव है तो वो ठीक है, गलत भाव है तो वो गलत है। अच्छा ठीक है, तो ये कोई मुद्दा है। अच्छा सावा जी, संपूर्णानंद की किताब जो है योग शास्त्र आप देखिए उठा के उन्होंने कहा इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सही, जैसे जो है वो अशोक सिन्हा जी ने कहा है ये तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है प्राप्ति के लिए एक जो है वो प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी और तमाम पैनलिस्ट को अशोक सिन्हा जी को आज और अब्दुल हमीद नुमानी जी को बहुत अच्छे सुनना चाहिए, बिना चीखे चिल्लाए अपनी बात कहने का ढंग और तथ्यों के साथ अपनी बात को सही साबित करने का आपका जो तरीका है वाकई में मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ आप जैसे पैनलिस्ट को, अशोक सिन्हा जैसे पैनलिस्ट को अपने पैनल में बुला करके। आप सभी के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा सावत जी, लेकिन क्या है ना, आज दिन में मेरी कोलीग हैं रचना, साथ में बैठी हुई हैं, ये बड़ी फिटनेस फ्रीकी हैं, इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया। इनका कहना यह था कि अगर अच्छी सेहत के लिए योग किस तरह से पैकेजिंग की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है तो फिटनेस के लिए जुम्बा क्लासेस लेने के लिए जाती है, तो इन्होंने कहा कि एक जुम्बा डे भी मनाना चाहिए फिर हिंदुस्तान में। इनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में जो नई उम्र के जितने भी लड़के हैं हर कोई सिक्स पैक ऐप बनाता है, वर्जिश किया करता है, तो सिक्स पैक डे भी मनाया जाना चाहिए, सिर्फ योगा दिवस ही क्यों, ये जुम्बा डे भी मनाइए। अच्छा सावत जी, अच्छा सावत का फ्रेम नहीं मिल पा रहा है, हाँ नहीं मिल पा रहा है हमें, ये क्या बोल सकते हैं, जुम्बा डे बनाएंगे क्या? मैं आपको बताता हूँ जुम्बा डे क्या, जुम्बा डे जुम्बा नाइट ये नाइट वो नाइट तो रोज मना रहे हैं ना ये यंग एज के लोग, तब भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास रोज पहुंचे रहेंगे, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, तो आप देख लो ना अभी आप और जुम्बा डे ये डे वो डे जितना मनाना है मना लीजिए, जाना आपको अल्टीमेटली वहीं पर है। सूर्य नमस्कार अगर किसी ने किया होगा तो उसके फायदे को जानता होगा, किसी भी उम्र का, किसी भी कमजोर हो मजबूत हो हर आदमी कर सकता है। जुम्बा डे से आपको 15 दिन में फायदा नहीं दिखेगा, सूर्य नमस्कार से एक हफ्ते में फायदा दिख जाएगा, क्योंकि मैंने किया है, उसके पूरे प्रोसीजर को किया है। रही बात ये जो संस्कृत उसकी, देखिए है क्या, गंगा के पानी से आप वजू करके मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लोगे वो हलाल है, वो कबूल हो जाएगी। भाई गंगा से ज्यादा हराम कौन सा होगा इस्लाम में, आप मुझे बताइए। मुझे एतराज है, जो शब्द आपने लिए हैं मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अब्दुल हमीद नुमानी जी, आपको शायद जवाब देना चाहिए, आप बोल सकते हैं। एक मिनट सर रुक जाइए, बात करते हैं, हमारे यहाँ सब पानी जो है पाक जो है पवित्र है, वो चाहे गंगा का हो नदी का हो या कहीं का पानी हो, हाँ। वो जो है पाक है, वो जो इस तरह की भाषा यूज करते हैं ना वो इस्लाम को जानते हैं, हिंदू मत को जानते हैं, हिंदू मत में भी ऐसा नहीं है ना कि इस्लाम में ऐसा। हर अच्छी चीज, मुझे नहीं पता है, करेक्ट करिएगा, मुझे लगता है इस्लाम में भी यही है, हर अच्छी चीज जो किसी आदमी को कौम को कहीं से भी फायदा पहुंचाए वो पवित्र है, वो हलाल है, कॉन्सेप्ट तो यही है ना, यही कॉन्सेप्ट है कि कुछ और है। मैं ये बोलता हूँ कि मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ, वापस एमयू और योग पे आ जाइए, वापस एमयू और योग पे आ जाते हैं, डिबेट नहीं करते भाई, अगर आपको फायदा होता है तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है। हाँ हाँ मैं वही कह रही हूँ, दीपक पांडे मुझे जरा समझाइए, जितना मुझे वक्त मिलता है मैं भी डेली बेसिस पे योगा करती हूँ, मुझे योगा करते हुए किसी धर्म का एहसास नहीं होता, मुझे लगता है कि मैं अपनी फिटनेस के लिए योगा कर रही हूँ, लेकिन जिसका जिक्र गुलरेज जी भी कर रहे थे, एएमयू में ऐसा कौन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पीछे से बैकअप दे रही है जिसके चलते छात्र नेताओं के जहन में इस तरह के ख्याल आते हैं, इस तरह से विरोध करते हैं और इस तरह से छात्रों को भड़काते हैं? देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं इसका दे रही, एक्चुअली होता है क्या, देखिए बॉर्न बर्थ एक माइंडसेट मिलता है सबको, अगर आप उसको इन्हेंस नहीं करेंगे तो आपको एक माइंडसेट बन जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है किस दिशा में नहीं जाना है, तो वो चीज़ है उन लोगों के अंदर दिमाग में आ गई कि संस्कृत देखो क्या है, दो तीन चीज़ें छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं कि जो हमेशा रहती है कि अगर संस्कृत है तो उसे हिंदू धर्म से जोड़ा जाएगा, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब ये योगा का जो जब योग शुरू हुआ था तो उस समय हमारे देश की भाषा संस्कृत थी, इसलिए संस्कृत में किया गया था, अगर हमारे भाषा में आज जी में कुरान का अनुवाद भी किया जी, नहीं बिल्कुल बात सुन सर, अगर उस समय हम अंग्रेजी बोलते तो शायद अंग्रेजी में योगा किया जाता, ये चीज संस्कृत भी जो है खुदा की भाषा है सर, वो भाषा की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ना, ये समय संस्कृत आ रहा है ना, नहीं
नुमानी जी सुनिए ना, मैं नुमानी नुमानी जी मैं समझ नहीं पा रही योगा मैं करती हूँ अपनी फिटनेस के लिए। ठीक है जी, अब नुमानी जी मुझे जरा समझाइए, योगा मैं करती हूँ अपनी फिटनेस के लिए, जिम अगर मैं जाती हूँ तो अपनी फिटनेस के लिए, मुझे जिम जाते हुए योगा करते हुए कभी धर्म का कोई एहसास ही नहीं होता, मुझे लगता है ये मेरी फिटनेस से जुड़ा है। कोई इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, जो इसको धर्म से संबंध कर रहे हैं या जो है किसी विचार से वो गलत है। वो पतंजलि जो है वो ऐसा नहीं कि जो हमारे पूर्वजों से बाहर है। सर पतंजलि को भी बहुत बहुत अभी कितने दिन हुए, अभी तो कुछ वर्ष हैं, कुछ दशक हुए हैं। ठीक है, अब आप रुक जाइए, एक बार फिर से अशोक सिन्हा जी के पास चलते हैं, एक बार फिर से अशोक जी के पास में चलते हैं। अशोक जी, जमीन पर रह करके आपने काम किया है, उत्तर प्रदेश की सरजमी में आप कॉलेज भी गए हैं, यूनिवर्सिटी भी गए हैं, मुमकिन है कि एएमयू का भी दौरा किया होगा और मुमकिन है कि एएमयू के लोगों से आप मिला भी करते होंगे, रजिस्ट्रार वगैरह से भी मिला करते होंगे। एएमयू के अंदर किस तरह की मानसिकता काम करती है कि बार बार धर्म के नाम पर कोई ना कोई एक नया विवाद पैदा हो जाता है? अभी का विवाद तो योगा के नाम पर है, लेकिन उससे पहले तिरंगा यात्रा के नाम पर भी विवाद, तभी धर्म आ गया था। देश विरोधी नारे लगे तभी धर्म आ गया था। जिन्ना का पोस्टर लगा तभी धर्म आ गया था। शाकाहारियों के लिए मांसाहारी खाने का खाना जहाँ पर बन रहा था, जिस तेल में तला जा रहा था, तभी एक धर्म वाला विवाद आ गया था। एएमयू में इस तरह का वायरस किसने फैलाया हुआ है? देखिए, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बराबर गया हूँ, वहाँ पे कई सेमिनार में भी गया हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ के मैं तैयार हुआ हूँ। तो मैं बताऊँ आपसे कि वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी मैं गया था, वहाँ एक है मिस्टर रऊफ अहमद भट्ट, वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में है। मेरी उनसे बात हुई थी योगा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है, ये तो एक अच्छी एक्सरसाइज के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इबादत के लिए, नमाज जैसे हम पढ़ते हैं उसके अंदर भी योगा है, नमाज में भी वज्रासन है, नमाज में भी पर्वतासन है, तो हम योग अच्छा, और जैसे कि यम नियम का वर्णन है वैसे ही हम वजू करते हैं, हम कान धोते हैं, मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, तो स्वच्छ रखना, स्वच्छ रहना, ये ही इसका एक्सरसाइज है। तो कहीं कोई देखिए आपत्ति नहीं है, मगर कुछ अल्पसंख्यक मानसिकता जिसको कह लीजिए, जिसमें ये कहते हैं साहब कि हमारे किसी चीज में आप इंटरफियर मत कीजिए, हम जो कुछ हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और हम कुछ बाहर से न लेना चाहते हैं न हम देना चाहते हैं। तो अब ये जो मानसिकता होती है, ये कंपार्टमेंटिज्म जो होती है, कंपार्टमेंट बनाने लगा, इसके कुछ लोग मैं समझता हूँ शायद ठीक से शिक्षा नहीं ग्रहण करते, तब उनके अंदर ये बात आती है। मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही सटीक नॉलेज रखने वाले लोग हैं, सबकी मानसिकता ऐसी नहीं है, कुछ लोग ऐसे सब जगह पे होते हैं, वहां भी होंगे। डॉक्टर एच एस रावत, अभी आपसे कनेक्ट मेरा टूट गया था, एक सवाल किया था मैंने, अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है तो हिंदुस्तान में तो वर्जिश की न जाने कितनी विधाएं हैं, नई नई सी विधाएं हैं, ये एक जुम्बा डांस वाली भी एक वर्जिश होती है, ये सिक्स पैक ऐब वाली, डॉक्टर गुलरेज आपके पास भी आ रहा हूँ, सिक्स पैक ऐब वाली ये एक अलग तरह की वर्जिश हुआ करती है, कई एथलीट्स तैयार किए जाते हैं वो एक अलग तरह की वर्जिश होती है, तो इन सभी के लिए क्यों ना एक एक दिन जो है वो नियत कर दिए जाएं, एक एक दिन निर्धारित कर दिए जाएं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ही क्यों? राशिद जी, ऐसा होता है, गौतम जी आ रहा हूँ आपके पास भी, गौतम जी आ रहा हूँ, इस्लाम है और हिंदू धर्म है, दोनों के अंदर क्या है कि इस्लाम के लोग भी कहीं ना कहीं ध्यान में बैठते हैं, ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं करते, और हिंदू लोग भी ध्यान करते हैं, इसमें क्या होता है प्राण शक्ति को एकाग्र करने की विधि भी होती है, बॉडी की एक्सरसाइज के साथ साथ अंदर जो प्राण शक्ति है उसको मजबूत किया जाता है, और इसके अंदर आप अल्लाह को भी याद कर सकते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं, इनर सिस्टम और आउटर सिस्टम दोनों को मजबूत करने का ये प्राणायाम एक तरीका होता है, जिसमें सूर्य प्राणायाम जिसको हम बोल के चलते हैं। देखिए गौतम जी मुझसे बार बार नाराज हो रहे हैं, गौतम जी मुझसे बार बार नाराज हो रहे हैं, गौतम जी मैं ये चाहता था ना, कहीं दिक्कत आती है क्योंकि आप लोग प्रगतिशील हैं, ओम ना बोल करके दूसरे, गौतम जी चूंकि आप लोग प्रगतिशील हैं इसलिए मैं ये चाहता था कि एक बार आप सभी को सुन लिया उसके बाद मैं आपके पास में एक्सरसाइज करना एक अलग विषय है, ठीक है, अंदर की एक्सरसाइज गौतम जी, बाहर की एक्सरसाइज, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी योग के पक्ष में है या फिर विपक्ष में, गौतम जी देखिए प्रश्न ये है,
योग 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 की इम्पोर्टेंस क्या है, योग की शुरुआत क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, और आज जो शाओनिज्म के आधार पे योग को प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है, ये उतना उचित क्यों है? आप बेहतर जानते हैं मेडिटेशन शुरू हुआ था जिसको विपश्यना कहा जाता है, और सत्यनारायण गोयनका विपश्यना के सबसे बेहतर व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, और वो उन्होंने, आप बेहतर जानते हैं कि उन्होंने जब एक उस समय किडनी ट्रांसप्लांट की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनकी किडनी करीब करीब डैमेज हो गई थी, फिर उन्होंने मेडिटेशन को स्टार्ट किया, और मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद उनकी किडनी रिसरेक्ट हुई, आज वो पूरी दुनिया में विपश्यना सिखा रहे हैं। यहाँ भारत की धरती पे जो आया है, जो योग सिखाया गया, इस योग को कमर्शलाइज किया गया रामदेव द्वारा। जब रामदेव बार बार ये कहा करते थे कि योग करिए, योग से कोई बीमारी नहीं आती, हमने उनकी बात मान लिया, योग करिए, योग से कोई बीमारी नहीं आती। जब योग से कोई बीमारी नहीं आती, तूने दवाइयां बनाने की जरूरत कहां से पड़ गई? दवाइयां मार्केट में क्यों आने लगी? अरे ये कोई कमर्शलाइज क्यों किया जाने लगा? प्रश्न ये है कि अगर योग इतनी बेहतर चीज है, ये स्वतः स्फूर्त ये आता है, इसमें जबरदस्ती कराने की कोशिश नहीं की जा सकती है। योग जो होता है, जो आपके इनर सर्कल है, नहीं तो जबरदस्ती तो कोई भी नहीं, जबरदस्ती तो कोई करा ही नहीं रहा ना गौतम जी। गौतम जी, ये तो अपनी निजी इच्छा हो सकती है, मेरा मन है मैं करूं या ना करूं। नहीं गौतम जी, ये तो नहीं, ना ना, योग योग के फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए लोगों को सिर्फ जागरूक करने का काम किया जा रहा है। नहीं, ये तो इलॉजिकल सी बात आपने कर दी कि योग के लिए किसी को मैंडेटरी कह दिया गया कि नहीं आपको योग करना ही करना है। नहीं नहीं, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। गुलरेज जी, अभी अशोक, ठीक है गौतम जी, गुलरेज जी, अभी अशोक सिन्हा जी जिक्र कर रहे थे कि एएमयू में कुछ छात्र नेता या सो कॉल्ड कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और इस तरह से लगातार छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। क्यों ना उन असामाजिक तत्वों को, क्यों ना उन जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, उन छात्रों की पहचान की जाए, कार्रवाई उनके खिलाफ हो। बार 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 इस तरह के दंगे क्यों हो? अभी हमने देखा भी था, पिछले दिनों एमयू में दंगा भी हुआ था, वहां जाने तक की स्थिति नहीं थी। एफएम न्यूज ने भी अपने रिपोर्टर को भेजा था, एंट्री तक मुनासिब वहां पर थी नहीं, इस तरह का माहौल था। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, पहचान की जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए रचना, मुझे थोड़ा समय देना। अभी हमने इसके पहले ये प्रश्न रखा था कि हम क्यों ना जुम्बा डे या कोई और डे मना लेते, तो भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको है, सबको अलाउड है मनाना, लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये जो योगा डे है ये भारत नहीं मना रहा, बीजेपी आरएसएस नहीं मना रही, हम नहीं मना रहे, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मना रही है, और भारत सरकार और हम लोग गौरवान्वित इसलिए होते हैं योगा को लेकर, क्योंकि योगा भारत से जुड़ा हुआ है, और जब भी जहां भी कहीं भी योगा होता है तो भारत का नाम होता है और भारत की संस्कृति का नाम गौरवान्वित होता है, इसलिए हम उसको लेकर गौरवान्वित होते हैं। दूसरी बात, जहां तक की योगा को लेकर बात है, तो अभी जिस प्रकार की बातें गौरव जी ने की कुछ देर पहले, देखिए मैं कह रहा था आपको आरंभ में ही कि इस प्रकार के जो लड़के हैं एएमयू में, उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पेट्रोनेज होगा। अब पॉलिटिकल पेट्रोनेज आपको दिख रहा है किस प्रकार से आता है, इस प्रकार की जब बातें राजनेता करते हैं तो उनके जो अनुयायी होते हैं यूनिवर्सिटीज में, वह उसको आगे प्रोपोगेट करते हैं, यही एएमयू में हो रहा है। और मजहब के चश्मे से इसको देखना सरासर गलत है, जब सऊदी अरब जैसी कंजर्वेटिव कंट्री में भी वो भी यूएन में योगा डे के लिए वर्क करती है, वहां पर भी योगा हो रहा है, तो मजहब की चश्मा हर जगह लगाया जाएगा तो उससे नुकसान होने के अलावा हमको कुछ नहीं मिलना है। भारत में हर जगह मजहब के चश्मे से देखने की, हाँ, योगा को हम मजहबी चश्मे से आगे क्यों देखें, ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। चूंकि विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठ रहा है, तो ऐसे में गौतम जी और दीपक जी आपको शायद रिवर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल उठ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस तरह से पुश कर रही हैं या ब्रेन वॉश कर रही हैं उन छात्र नेताओं का, जब इस तरह की भ्रम लोगों में फैलाए जा रहे हैं, तो इनिशिएटिव आप ही ले लीजिए।
योगा के तो सिर्फ फायदे ही है, देखिए नुकसान तो कुछ है नहीं। अगर योगा को लेकर इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, इस तरह का विरोध हो रहा है, तो इनिशिएटिव लीजिए आप। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं बोलूंगा गुलजार साहब से कि साहब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, सेंट्रल में भी है, आपको चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करा के उनको जेल के अंदर भेज दें, क्योंकि नहीं मैं कह रही हूँ विपक्ष में आप है ना, देखिए अभी अभी, अभी, अभी पैनल में सिर्फ दीपक जी हैं, गौतम जी हैं, तो आप दोनों ही जाइए ना, आपकी पार्टी वहाँ जाए, उन लोगों को चिन्हित करे, बातचीत करे, देखिए बातचीत से तो कई मुद्दे सुलझ जाते हैं। हम प्रशासन में हैं, हम प्रशासन में भी नहीं, हम नहीं जा सकते, आप विपक्ष में आपको जाना चाहिए, शेख साहब को जाना चाहिए वहाँ पे, वहाँ पे इनसे बोलना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से कि पत्रकारों को गिरफ्तार करवाना बंद करें, ये जो ऐसे लोग हैं जो इस टाइप की भ्रांतियां फैला रहे हैं इनको गिरफ्तार करवाएं और इनको सुधारें, जिससे कि हमारे स्टेट की, हमारे देश की, कहीं और निकल रहे जी, आप कहीं और निकल रहे, ये अपराध है ही नहीं तो जेल में कैसे। नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा कोई अपराध, आप बताइए, आप जो लोग एएमयू में तिरंगा यात्रा नहीं करने देते, अपराध है, इस टाइप के लोग गिरफ्तार करवाना चाहिए, वो तो अपराध है, वो तो क्लियर है। डॉक्टर एच एस रावत, अगर कोई योग करने से मना करता है तो क्या यह अपराध की श्रेणी में आना चाहिए? जी नहीं, देखिए अपराध की श्रेणी में तो नहीं कह सकते इसको, हर आदमी की अपनी एक इच्छा होती है, लेकिन अगर उसके रहस्य को जानोगे, उसके सत्यता को जानोगे, उसके सत्य को जानोगे, तो आपका बाहरी शरीर तो स्वस्थ होता ही है, आपका आत्मविश्वास, आपकी प्राण शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति, आपका डिप्रेशन, आपके बुद्धि का विकास भी इससे होता है। इसलिए दोनों चीजों को मिलाकर के ये सूर्य नमस्कार की स्थिति को पतंजलि ने डेवलप किया था, इसको मुसलमान भाई अगर करते हैं तो अंदर से प्राण शक्ति और बीमारी को कंट्रोल करता है और बाहर से आपके शरीर की प्राण शक्ति को और आपकी मसल्स को मजबूत करता है। इसमें ना करते हैं तो आपका नुकसान है, आप प्राण शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते क्या? करूंगा तो। अब्दुल हमीद नुमानी जी, आप प्राण शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते क्या? जवाब दीजिए। नहीं वो बिल्कुल हम कर सकते हैं, उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। और जो ये जो है ना संस्कृत और हिंदी और अरबी का जो है ना कोई मैटर ही नहीं है, जिसको प्राणायाम आप बोलते हैं वही चीज जो है हमारे सूफी परंपरा में उसको जो है हफ्से दम बोला जाता है, जिसको यहाँ ध्यान बोला जाता है वही उसको जो है मुराकबा जो है कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, वो ये जो लोग इसको राजनीति से जोड़ते हैं, एक बात और धर्म से जोड़ते हैं, अब्दुल हमीद नुमानी जी, अब जो है अशोक सिन्हा जी हैं और जो है डॉक्टर एस एच रावत है, वो पता होगा, जैसे हम जो लोग योगा बोलते हैं ना, योगा कोई शब्द ही नहीं है संस्कृत में, आप पूछ लीजिए, वहाँ जो है योग है, योग का मतलब होता है जोड़ मिलन, हम लोग जो है, लेकिन क्या है ना, हम लोग जो है एक बात और भी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एक मिनट, अब्दुल हमीद नुमानी जी, मिलन और जोड़ क्या है? ठीक है अब्दुल हमीद नुमानी जी, एक बात और भी, हमारे गुरु ने अब्दुल हमीद नुमानी जी, एक बात और भी, ठीक है हो गया, ठीक है, योग की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है, साइंटिफिक और विस्तृत मतलब है, ओके ठीक है, एक मिनट, चित्त वृत्ति, डॉक्टर रावत, डॉक्टर, हाँ ठीक है ठीक है, अब्दुल हमीद नुमानी जी, एक बात और भी कही जाती है कि बाकी दुनिया के जितने भी धर्म हैं वक्त के साथ चेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, और अगर कोई बड़ा रिफॉर्म आता है तो उसे भी, उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार रहते हैं और उसका भी वेलकम किया करते हैं, लेकिन अगर बेहतर शरीर के नाम पर, बेहतर जीवन के नाम पर, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड के नाम पर अगर इस्लाम में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन समय के हिसाब से नज़र आता है तो फिर आप लोग उसका विरोध कर देते हैं और वैसे रिफॉर्मिस्ट, वैसे रिफॉर्मिस्ट आप लोग नहीं हो पाते। इस्लाम में तो बाकायदा प्रक्रिया है, हम लोग चूंकि जो है दोनों तरह की विद्यार्थी रहे हैं, हमने जहां जो है हिंदू धर्म गुरु से हमने जो है संस्कृत हिंदी पढ़ी है, वहीं हमने जो है मुस्लिम धर्म गुरु से और जो है असातिजा से हमने जो है अरबी और उर्दू पढ़ी है, तो हमारे यहाँ जो है वो जो आधार है जो आदेशों का जो है वो चार है, वो एक है कुरान है, सुन्नत है, इजमा है और कयास है। तो हमारे यहाँ बाकायदा इश्तिहाद का एक जो है अध्याय है, मतलब इससे दायरा है, इससे दायरा नहीं जाना है, जो भी होगा उसको जब तक गौतम जी सारा फिट नहीं करेंगे वो आगे चल नहीं सकते। गौतम जी, आप और शिपाल जी 21 जून को कहाँ पर योग करेंगे, सुबह सुबह बता दीजिए, कैमरा भेजना है मुझे, बाहर से बोरो की गई है, ठीक है गौतम जी, 21 जून को कहाँ पर योग कर रहे हैं आप, कैमरा भेजना है मुझे, भेजूंगा, देखूंगा मैं, उसकी जो संस्कृति है उसको भी आपको करना चाहिए, नहीं उसको रिजेक्ट क्यों करना है, अब गौतम जी को सुन ले, सारा ऑडियो नीचे, गौतम जी बोलेंगे, हाँ गौतम जी बोलेंगे, आप भी सुन लीजिए ना, कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है, मेरी बात भी सुन लीजिए, गौतम जी आप चाहते हैं कि हम आपके पिच पे खेलें,
आपकी बाउंसिंग जो बाल आए आपके कहने पर हम हीट करें और आपके कहने पर ड्रॉप करें। हम प्रतिदिन 5 दिन पांच बजे मेडिटेशन करते हैं, प्रतिदिन लेकर के आप अपना अपना कैमरा आ सकते हैं। केवल 1 महीने के दिखावे के लिए पाखंड के लिए कैमरा लेके आने की जरूरत नहीं है। अभी हम मिथ्या पुराण तो रोज करने का है भाई। गौतम जी ने मुझे क्रिकेटर भी बना दिया। 5 बजे आपको गौतम जी ने मुझे क्रिकेटर भी बना दिया। योग तो रोज करने का है भाई, ये करने का थोड़ी है। अच्छा अच्छा, शिवपाल यादव जी भी करते हैं। अरे अशोक जी, अशोक जी देखिए, 9 बॉल पे सिक्सर मार रहा है। एक मिनट, अरे देख लीजिए, अरे एक एक मिनट रुक जाइए ना अशोक जी। गौतम जी आपके बगल में ही बैठे हुए हैं, 9 बॉल पर सिक्सर मार रहे हैं। अगर आप चाहे तो इनके फ्री हिट का जवाब दे सकते हैं। नहीं, पहले तो एक बात का मैं जवाब दे दूं कि गौतम जी ने इसके पहले कहा था कि योग से यदि सभी निरोग हो जाते हैं, कोई रोग होता ही नहीं, तो दवाएं क्यों बना रहे हैं रामदेव। हाँ। तो मैं आपसे बताऊं कि सभी, इन्होंने ये भी कहा है कि योग के नाम पर आप लोग पाखंड कर रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिए। बावजूद भी ये सभी योग नहीं करते और रोग पहले से भी होता है, इसलिए योग भी चाहिए और दवाएं भी चाहिए, दोनों चाहिए। अशोक जी सभी, हर कोई शांत रहे, सिर्फ अशोक जी बोले, हर कोई शांत, सिर्फ अशोक जी बोले। मैं इसका अभ्यास करता हूं, मैं पाखंड नहीं करता। तो बहुत सही बात कहा इन्होंने कि भाई पाखंड करने की क्या आवश्यकता है भाई, ये तो अपने जीवन पद्धति है और इस जीवन पद्धति को यदि आप उसको स्वीकार करते हैं तो करिए और नहीं स्वीकार करते हैं तो मत करिए। यूएनओ में भी जब ये बात रखी गई थी तो सभी देश ने थोड़ी स्वीकार कर लिया था, 172 देशों ने स्वीकार किया और 172 देशों ने एक मत से कहा कि यह जीवन पद्धति है और ये ठीक है स्वास्थ्य के लिए। जो बाकी जो नहीं स्वीकार किया वो नहीं मनाते हैं, तो ये एक स्वतंत्रता है इसमें जो अगर आप इस रास्ते चलेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है, 2015 से इसकी शुरुआत हुई लेकिन अचानक एएमयू में योग दिवस को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसी पर आज राजधर में हम सवाल कर रहे हैं, खास मेहमान सभी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पैनल के पास हम जाएंगे। नोमानी जी, धर्म कुछ होता नहीं है योग का, इस पर हम ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो फिर धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम आखिर कौन कर रहा है? ये राजनीतिक जो लोग कर रहे हैं या जो अपने आप को सामने लाना चाहते हैं या कहीं उन वो उनके सामने कहीं न कहीं जो है वो चुनाव है या समाज में जो है वो आगे आना चाहते हैं इस तरह के नाम पे, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे जिना है, जिना इस्लाम को कितना जानते थे, वो नहीं के बराबर इस्लाम को जानते थे, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम का नाम उन्होंने लिया। जीना जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से, मौलाना मदनी से, इकबाल से बहुत कम इस्लाम को जानते थे, लेकिन सबसे नाम जो है ज्यादा इस्लाम का उन्होंने, नमाजी ने पढ़ते थे जीना जो है। और अभी अभी इस बात का जिक्र हो भी रहा था ना, नहीं अभी इस बात का जिक्र हो भी रहा था कि एएमयू में सब कर रहे हैं हिंदू धर्म का भी। अब एक बार एक एक सुन लेते हैं, एक बार एक एक सुन, ऐसा ही है ना जैसा जिक्र अभी हो भी रहा था कि जिन जिन छात्र नेताओं ने ये मुद्दा उठाया है, पब्लिसिटी रावत हमने मान लिया, हिंदुत्व के ध्वजवाहक आप हैं, एक बार सुनिए, एक एक को सुन लीजिए एक बार। देखिए अभी मौलाना साहब ने ये बोला कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट इस्लाम का यही है, जो अच्छी है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, अभी मौलाना साहब ने ये भी बोला भाषा, सारी भाषा खुदा की है। अगर सारी भाषा खुदा की है तो भाषा के शब्दों से परहेज क्यों, वो भी तो खुदा की है, तो ओम शब्द से भी परहेज क्यों? नहीं क्यों परहेज क्यों क्यों है जब वो हमारे सामने विकार, यानी आपने मान लिया ना कि इस्लाम में ओम का परहेज नहीं है ना? हमने तो संस्कृत पढ़ी है भाई, हमने तो चारों वेद पढ़े हैं और पुराने सम्मान करता हूं। आप इस चीज को डिक्लेयर करते हैं उपाधि प्राप्त ओम से कोई परहेज नहीं है तो सबसे बड़ी इस्लामिक परहेज है सर, किसी को परहेज नहीं, जो नहीं जानते वो इस तरह की बात करते। तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लड़के ऐसा बोल रहे हैं कि हम सूर्य नमस्कार नहीं जानते हैं ना, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, हमने अर्थशास्त्र पढ़ी है, चारों वेद पढ़ी है। देखिए ऐसी विचारधारा, ये असली इस्लाम है, हमने गीता पढ़ी है, मेरे पास गीता की जो व्याख्या है। एक बार अशोक जी के पास चले चलते हैं। अशोक जी बहुत, हाँ डॉक्टर रावत, नुमानी साहब वजीफा ले लोगे आप? अरे डॉक्टर रावत का वजीफा ले लोगे आप? आप कितने आक्रामक हो गए हैं, लेकिन आप योग नहीं। डॉक्टर रावत आपके साथ मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं, लेकिन पिछले एक साल में जितने आक्रामक आप हो गए हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ही आप मुझे राज्यसभा में नजर आएंगे।
मुझे ये सिग्नल मिल रहा है डॉक्टर रावत, ये तो मुझे समझ में अशोक जी बोले, अशोक जी बोले, देखिए जब कोई बड़ा बोले ना हमें इतना सम्मान देना है कि उन्हें 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 पूरी उन्हें धारा प्रवाह बोलने का मौका मिलना चाहिए। अशोक जी बहुत सम्मानित, अशोक जी बहुत सम्मानित शख्सियत है, अशोक जी बहुत सम्मानित शख्सियत है, अशोक जी को, अशोक जी 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 नुमानी साहब, हाँ ठीक है, अशोक जी को एक बात सुन लेते हैं। अशोक जी वो लोग कौन है, चलिए मैं सिक्के को एक बार पलट देता हूँ, वो लोग कौन है जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर किसी ने योग करने से मना किया तो वो देश विरोधी तत्व है, सवाल नंबर एक। और दूसरा सवाल मेरा ये है, अलीगढ़ में अगर देश विरोधी तत्व इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, HRD मिनिस्ट्री भी आप लोगों के हाथ में है, कोई सख्त लीगल एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? पहला सवाल आपका यह था कि योग को कौन लोग अनिवार्य बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो नहीं मानेगा वो गलत करेगा। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तानाशाही तो होनी ही नहीं चाहिए, और इसलिए स्वेच्छा से 172 देशों ने अगर इसे स्वीकार किया है, UNO ने प्रस्ताव पारित किया है, तो उसका सम्मान करते हुए अधिकांश लोग इसको करना चाहे तो करें और नहीं करना चाहे तो मत करें, यह उनके निजी व्यवहार की बात मानी जाएगी। नंबर दो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ही नहीं, अब सभी जगहों पर कुछ लोग देश प्रेमी होते हैं मगर कुछ लोग खुराफाती दिमाग के भी होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को क्यों बदनाम कर रहे हैं? वहां ज्यादा हो सकते हैं, वहां कम हो सकते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जहां शिक्षा दी जाती है, जहां पर कि इल्म सिखाया जाता है, हमारे गीता में भी कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदिश्रम पवित्रमेह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जब जहां ज्ञान मिलता है वहां अज्ञानता की बातें कैसे क्यों लोग करेंगे? वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अब वहां पर अगर कुछ लोग इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी सांप्रदायिक मानसिकता होगी, और सांप्रदायिक मानसिकता के लोग हर जगह पे है, अब कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, अब्दुल हमीद उमानी जी कोई जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, वो अशोक जी से जो है मुझे संपूर्णतः सहमति है, मैं इसके खिलाफ नहीं। जो मैं कहता हूँ भाषा को लेके जो है इस तरह मुद्दा बनाना, मैं तो देखता हूँ कि जो है जो उपनिषद में जो बात है वो बहुत सारी बात जो है कुरान में भी है, तो वो कोई मुद्दा ही नहीं है। डॉक्टर एच एस रावत को सुन लेते हैं, पूरे इस्लाम की कंट्री है, इंग्लिश बोलना बंद कर दो, इंग्लिश बोलना बंद कर दो सारे इस्लामिक कंट्री, अरे भाषा के खिलाफ तो है ही नहीं वो, भाषा बोलने के सब जो है खुदा की है, वो भाषा का इंग्लिश को बोलते हो आप लोग, ठीक है, मुद्दा क्यों बना रहे हैं? कर दीजिए इंग्लिश को बंद, डॉक्टर गुलेज, डॉक्टर गुलेज, योग के नाम पर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? डॉक्टर गुलरेज, योग के नाम पर हिंदू मुसलमान किसने किया? लॉजिकली भाई आप कॉन्वेंट एजुकेटेड है, संस्कृत में बोल कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, कभी नहीं किया, आपके प्रति विश्वास की बात करते हैं, और मैं सभी से एक ही आह्वान करता हूँ कि 21 जून को योग दिवस है, भारत का सम्मान करना है, संस्कृत में भी पढ़ते हैं, हमारे क्या होता है, अरबी में भी पढ़ते हैं, फारसी में भी, बंगला में भी, मिलकर गले मिलकर योग करें, आनंद की अनुभूति होगी सभी को, ठीक है, और देश भी गौरवान्वित होगा। और बिल्कुल अंतिम अगर मैं जाऊंगा तो गौतम जी के पास में मैं जाऊंगा अंत में। गौतम जी, पहली बात तो यह कि मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूं या कोई पिच क्यूरेटर नहीं हूं, मुझे बल्कि क्रिकेटर नहीं पिच क्यूरेटर कहना चाहिए, मैं कोई पिच तैयार नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा सोचा है तो मैं साधुवाद दूंगा अगर आपने मुझे इस काबिल समझा है तो। और अंत में अगर कोई बाउंसर आप मेरे ऊपर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। एक मिनट में गौतम जी को सुन लेते हैं हम। गौतम जी, आप बहुत बेहतर व्यक्ति, आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं राशि जी, प्रश्न ये नहीं, हम ये कहते हैं कि योग स्वतः प्रक्रिया है, इसको किसी तरह से जबरदस्ती थोपने की कोशिश न की जाए, बहुत बढ़िया, और किसी के ऊपर जबरदस्ती लादने की कोशिश न की जाए। चलिए ठीक है, एक एक कुछ कहना चाहते हैं 10 सेकंड। मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलूंगा, देखिए है क्या, आप दवाएं ले लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें ले लेते हैं जो कहीं वर्णित नहीं है, जिसका आदेश नहीं है, तो ये अगर आपको केवल अपना शरीर ही नहीं तन के साथ मन भी अगर आपको निरोग रखना है तो योग करिए, उससे आपको एंगर साइकोलॉजी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, चलिए ठीक आप योग करिए आपको फर्क दिखेगा। एक मिश्रा, डॉक्टर एच एस रावत, डॉक्टर गुलरेज, गौतम जी, अशोक जी, अब्दुल हमीद उमानी जी, सुमित, दीपक पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का राजधर्म में मेरे साथ रहने के लिए।
बिल्कुल, लेकिन जैसे कि एके ने कहा भी कि दवाई का कोई धर्म नहीं होता, दवाई यानी कि मेडिसिन हम डॉक्टर के कहने पर खाते हैं, हमें आराम भी लगता है, ठीक इसी तरह योगा भी है, करके देखिए अच्छा लगेगा अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, इसका कोई धर्म नहीं होता। और यही हमारा एडिटोरियल स्टैंड भी है कि अगर योग का धर्म नहीं होता तो योग के नाम पर हिंदू मुसलमान करना भी नहीं चाहिए, और जो ऐसा कर रहा है वो देश विरोधी तत्व है। देखिए, योग के नाम पर योग करना नहीं करना ये आपका निजी विचार हो सकता है, लेकिन योग के नाम पर हिंदू मुसलमान जो कर रहा है ये देश विरोधी है, ये असामाजिक की श्रेणी में आता है, ऐसा आपके चैनल का मानना है। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।